राज्य को आर्थिक लिहाज से मजबूत बनाने के लिए देहरादून में मुख्य सेवक सदन में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में वित्त, शहरी विकास, कृषि, उद्यान, पर्यटन, पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन, उद्योग और वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित प्रतिनिधि समूहों के साथ चर्चा की गई। संवाद कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए रास्ते खोजने पड़ेंगे। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। कहीं ना कहीं हमको नए नए रास्ते ढूंढने होंगे, नवाचार के रास्ते, और नए रास्तों से ही हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, कहते हैं कि अगर हम समस्याओं में उलझ गए तो 100 रास्ते हमारे जो जहां फंसने के हैं, वहीं उन समस्याओं से निकलने के 100 रास्ते भी हमारे पास हैं। अब सवाल यह है कि हम काम कैसे करें, किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाएं, और मिलके, जैसे ये आज संगोष्ठी हुई है, आज ये हमारा यहां पर संवाद हुआ है, तो इस संवाद में भी बहुत सारी चीजें निकली हैं। व्यवहारिक रूप से मैं देख रहा था पीछे से, जब उसके बारे में बता रही थी, वो शुरू में मैंने नोट किया था लोन के बारे में, नीलिमा जी, नीगी जी, उन्होंने मधुपा की और उसके बारे में जब बात करी कि मार्केट नहीं मिलता है, कहीं पर उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलता है, तो ये समस्या है। और ये समस्या का समाधान हम इतने ही बैठे हुए लोग भी खोज सकते हैं। यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप सभी का जो सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है, वो निश्चित रूप से भविष्य में भी मिलता रहेगा, और हम सब संवाद के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से राज्य को, निश्चित रूप से हमको कहीं ना कहीं ये अपने संकल्प में रखना है कि राज्य को हमें नंबर एक पर पहुंचाना है, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है, और हम कर सकते हैं। ये हमारे अंदर ये विश्वास का भाव हमेशा बना रहेगा तो हम सफलता को प्राप्त करेंगे। अंत में मैं होली की शुभकामनाएं देते हुए, और आप सबके संस्थान आगे बढ़े, आप सब सामाजिक क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में आप नित नए आयामों को प्राप्त करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो।